सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या जारी किया है 1 जनवरी 2024 से। साथ में यहां पर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है, और कैलकुलेटर भी यहां पर यूज करके देखेंगे कि अगर हम 10,000 रुपये एफडी करते हैं तो उसके बदले में हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक में दो तरीके का एफडी यहाँ पर होता है। पहला है देखिए कि जो कि अगर आप जो है 2 करोड़ रुपए से कम का एफडी करते हैं तो आप लोगों को क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा का जो है कि एफडी करते हैं तो आप लोगों को क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बेसिकली हम सब मिडिल क्लास हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 करोड़ से कम का ही हम लोग यहाँ पर एफडी करेंगे। तो यहाँ पर डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 2 करोड़ का यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो भी प्लान्स हैं सारे के सारे प्लान्स आ गए। बेसिकली इस प्लान के बारे में बता दें, पहले आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में दो तरीके का जो है कि एफडी होता है। फर्स्ट होता है कॉलेबल, जबकि दूसरा होता है नॉन कॉलेबल। ठीक है, फर्स्ट होता है कॉलेबल, ठीक, जबकि दूसरा होता है नॉन कॉलेबल। ठीक, अब देखिए इन दोनों में देखिए डिफरेंस है। ठीक, अब डिफरेंस ये है कि कॉलेबल वो एफडी होता है जिसमें अगर आप एफडी करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में तो आप समय के साथ जो है कि अपना एफडी को तोड़ भी सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मान लीजिए 4 साल के लिए अगर आप करते हैं एफडी, या 2 साल के लिए करते हैं, और अगर आपको 6 महीने में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप उस एफडी को तोड़ सकते हैं। जबकि नॉन कॉलेबल में ये होता है कि आपका जो पैसा है जितने दिन के लिए आप एफडी करते हैं तो वो अमाउंट आपका उतने दिन के लिए लॉक हो जाता है। ठीक है, उस अमाउंट को आप लोग उससे उसके मैच्योरिटी डेट से पहले आप लोग नहीं निकाल सकते हैं किसी भी ज़रूरत होने पर। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले कॉलेबल की बात कर लेते हैं जिसमें आप लोग अपने समय के हिसाब से जो है कि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो अगर आप 7 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आप लोगों को 1 जनवरी 2024 से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4% मिलेगा, और यहीं अगर आप जो है सीनियर सिटीजन हैं तो 4.3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 30 दिन से 45 दिन के लिए करते हैं तो 4% मिलेगा, और अगर आप 180 दिन से लेकर के 270 दिन के लिए करते हैं तो आप लोगों को 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक साल से लेकर के 399 दिनों के बीच करते हैं तो 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें अगर 400 दिन के लिए करते हैं तो आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब देखिए ये रहा कॉलेबल का, लेकिन जो नॉन कॉलेबल है जिसमें आप जो है कि बीच में पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं मैच्योरिटी को डेट बिना कंप्लीट किए, ठीक है, तो वो देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है PNB उत्तम नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, ये जो है कि 2 करोड़ से अबव के लिए है, ये डाउन में भी काम करेगा, और इसका जो डेट की अगर बात करूँ लेटेस्ट है तो लेटेस्ट यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से है ये काम करेगा, और इससे पहले थोड़ा सा ये पहले लॉन्च हुआ था। ठीक, और रिवाइज्ड की अगर बात करूँ तो 1 जनवरी 2024 से हुआ है। तो यहाँ पर नॉन कॉलेबल में अगर आप जो है कि 91 दिन से लेकर के 179 दिन के लिए करते हैं तो आपको 5.05% के आपका पास समथिंग इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को जो हाइएस्ट अगर आप इसे 400 दिन के लिए करते हैं नॉन कॉलेबल में तो आपको जो है 7.8% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के ऊपर। देखिए इसके लिए आपका जो है कि पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए एफडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, आप यहाँ पर एफडी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो है कि EMI कैलकुलेटर के ऊपर जो आप लोगों को एफडी पर रिटर्न्स मिलेगा। तो जो है कि यहाँ पर मैं एफडी कैलकुलेटर यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर जो है कि केवल 10,000 रुपये एफडी करते हैं, ठीक है, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.8% का यहाँ पर इंटरेस्ट अगर मिलता है, और अगर आप इसे 60 महीने के लिए कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक सरप्राइज जो है कि रिटर्न मिलेगा। ठीक, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो होगा 14,714 रुपया। ठीक, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 60 महीनों के लिए 7.80% पर। तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को 9.1% पर भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, आप लोगों को बैंक में कॉन्टैक्ट करना होगा। और बेसिकली यह देखिए ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये आपके अकाउंट के ऊपर ऑफर के बतौर आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं अपने बैंक में जा करके, ठीक, होम ब्रांच में विजिट करके। और बेसिकली अगर आप यहां से और थोड़ा सा अगर आप 50,000 रुपये का एफडी करते हैं तो उसके बदले में आपको 60 महीने में कुल 73,572 रुपये का रिटर्न आप लोगों को मिलेगा।
ठीक है, जो कि अपने आप में ये भी एक बहुत बेहतरीन जो है कि रिटर्न है। देखिए बेसिकली एफडी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को हाई जो है कि सेफ्टी भी चाहिए और हाई रिटर्न्स भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो बैंक हैं ये बेहतरीन बैंक हैं। अगर आप इसमें जो है कि 5 लाख से कम का अगर एफडी करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।